खबरें खबरें, बहुत हुई खबरें। वेट, कुछ मनोरंजक हो जाए। खबरें ही देखेंगे पर बॉलीवुड मसाले के साथ। जी हाँ, नमस्कार, मैं अक्षा वहीद अंसारी और आप देख रही हैं एनबीसी न्यूज की खास पेशकश खबर बॉलीवुड की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की रंगीन बॉलीवुड खबरों से। तो फिर एक बार शुरुआत करते हैं पहली खबर की, बॉलीवुड की क्यूटेस्ट गर्ल आलिया से। जी हाँ, आलिया भट्ट आज अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के एक साल पूरे होने की खुशी सेलिब्रेशन कर रही है। आलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर फैंस के साथ ये खुशी साझा की है। इसके साथ ही उन्होंने संजय लीला भंसाली के साथ पिक्चर भी शेयर की है। आलिया भट्ट की ब्लॉकबस्टर फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को एक साल पूरा हो गया है। इस मौके पर आलिया भट्ट ने संजय लीला भंसाली के साथ एक पिक्चर शेयर कर इसे सेलिब्रेट किया है। इस पिक्चर में आलिया वाइट ड्रेस में काफी खूबसूरत नजर आ रही है। वहीं उनके साथ संजय लीला भंसाली भी वाइट शर्ट में पोज दे रहे हैं। आलिया ने इसे कैप्शन में लिखा है कि हमारी गंगू को एक साल हो गया है। बात करें गंगूबाई काठियावाड़ी की, तो आज ही के दिन साल 2022 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। ये फिल्म ना सिर्फ ब्लॉकबस्टर साबित हुई बल्कि फिल्म ने 100 करोड़ की कमाई भी की थी। 72वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर किया गया था। गंगूबाई काठियावाड़ी मुंबई के कमाठीपुरा में रहने वाली एक कॉल गर्ल की कहानी है, जिसने कमाठीपुरा में कॉल गर्ल और उनके बच्चों के लिए कई अच्छे काम किए हैं। अब बात मूवीज की चल रही है, तो आपको बता दें कि भारत की एक फिल्म जिसका डंका पूरे हॉलीवुड में बज रहा है, जी हाँ, RRR मूवी। डायरेक्टर SS राजामौली की इस फिल्म ने ऑस्कर 2023 की नॉमिनेशन लिस्ट में जगह पा ली है। अभी ऑस्कर अवार्ड्स आने में हालांकि समय है, लेकिन उससे पहले ही RRR ने हर दूसरे अवार्ड शो में धूम मचा दी है। हॉलीवुड के एक और प्रतिष्ठित अवार्ड में इस फिल्म ने बड़ी जीत हासिल की है। अब बात साउथ इंडस्ट्री की हो ही रही है, तो आइए जानते हैं साउथ से कुछ अन्य खबरें। साउथ सिनेमाई दुनिया की इन 5 खबरों ने हफ्ते भर हंगामा मचाया हुआ है। बीते हफ्ते अदाकारा नयनतारा की एक्टिंग छोड़ने की खबरें खूब मच रही थी। वहीं बीते हफ्ते कन्नड़ सिनेमा की फिल्म मार्टिन का धमाकेदार टीजर रिलीज हुआ। इधर तमिल फिल्म स्टारर विशाल ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि कैसे बीते हफ्ते वो बाल बाल एक बड़े हादसे से बच गए। बात करें नयनतारा की, तो कॉलीवुड सुपरस्टार नयनतारा को लेकर बीते हफ्ते काफी हंगामा रहा। चर्चा थी कि अदाकारा नयनतारा जल्द ही एक्टिंग को अलविदा कहने वाली है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अदाकारा जवान फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद एक्टिंग से ब्रेक लेंगी। अदाकारा ने जुड़वा बच्चों की वजह से ब्रेक लेकर पति के प्रोडक्शन हाउस पर ध्यान देने की प्लानिंग में है, ऐसा बताया जा रहा है। वहीं बीते हफ्ते तमिल फिल्म स्टार विशाल ने एक वीडियो शेयर कर बताया कि वो कैसे अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर होने वाले एक हादसे में मौत के मुंह से बाल बाल बचे। विशाल का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुआ था। बात करें अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की, तो इनका नाम सुनते ही आपको वो दृश्य नजर आने लगा होगा जब ये दोनों स्टार अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए नागपुर आए थे, जिससे शहर में काफी धूम भी मची थी। पर वही फिल्म अब पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम से गिर गई है। जी हाँ, बॉलीवुड की मशहूर एक्टर अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की सेल्फी बीते दिन रिलीज हो पाई है। फिल्म में अक्षय कुमार ने सुपरस्टार की भूमिका अदा की है, तो वहीं इमरान हाशमी पुलिस ऑफिसर के रोल में नजर आए हैं। लेकिन फिल्म की पहले दिन की कमाई देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अक्षय कुमार की सेल्फी दर्शकों के दिल में जगह बना पाने में नाकाम हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म पहले दिन 5 करोड़ रुपए का ही आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की फिल्म पहले ही दिन केवल 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कमाई कर पाई है। हालांकि कलेक्शन से जुड़े आधिकारिक आंकड़े अभी आने बाकी है। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार और इमरान हाशमी की सेल्फी आगे भी ज्यादा कमाई करने में नाकाम हो सकती है। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी की वजह से ही दर्शक खुद को इसमें नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि पूरी फिल्म में एक असल जिंदगी का हीरो भी रियल लाइफ हीरो बनना नजर आ रहा है। हालांकि कुछ दर्शक अक्षय कुमार को देखने के लिए भले ही सिनेमा घरों में आए थे, लेकिन फिल्म की कहानी उन्हें भी इम्प्रेस करने में नाकामयाब साबित हुई।
आज की बॉलीवुड मसालेदार खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरें देखने के लिए देखते रहिए BCN News। फिर एक बार मिलेंगे खबर बॉलीवुड में।